हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आपको पीएचपी पे एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा। प्रोग्राम आपके सामने कुछ शो हो रहा होगा, कुछ नंबर वाइज आप चेक कर रहे होंगे। ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है, इसका नाम होता है फैबिनो की सीरीज इन पीएचपी। इसमें ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाया जाता है, जैसे वन है हमारे पास, वन में वन प्लस हुआ टू आ गया हमारे पास, टू में वन प्लस होगा थ्री हमारे पास आ जाएगा। जब थ्री में हमारे पास टू प्लस होगा तो हमारे पास फाइव आंसर आ जाएगा, और फाइव में थ्री ऐड होगा एट हो जाएगा, एट में फाइव ऐड होगा थर्टीन हो जाएगा, थर्टीन में एट प्लस होगा तो 21, तो एंड सो ऑन। आप जितनी आप इसकी लिमिट देना चाहते हैं 10 20 आप दे सकते हैं। इस तरह नंबर वाइज ऐड होके ये बनते जाएंगे। ये बेसिकली प्रोग्राम इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ इतने मुश्किल नहीं होते, बस एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इन प्रोग्रामों को बनाने के लिए। तो ये प्रोग्राम किस तरह से बनते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमें जैम्प ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि पीएचपी पे रन कर रहे हैं तो जैम्प की ज़रूरत पड़ेगी। हम अपाची और MySQL की हमारे पास ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी हम इसको ऑन कर लेते हैं। हमारे पास जैम्प ओपन हो गया, उसके बाद हम ड्रीमवीवर पर हम प्रोग्राम बनाएंगे। न्यू फाइल करते हैं, हमें न्यू फाइल PHP क्रिएट करते हैं। हमारे पास ये न्यू फाइल बन गई है हमारे पास। इसका टाइटल हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, और इसका टाइटल हम हमने टाइटल दे दिया। अब PHP का काम करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बॉडी के टैग के अंदर करें या बॉडी के टैग के बाहर करें। लेकिन इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें ये फाइल जो है सेव करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ सेव कर लेते हैं इस फाइल को। तो ये फाइल सेव होती है, हमारे पास जैम का फोल्डर है, उसके अंदर एक फोल्डर होगा htdocs। हम उसके अंदर ये फोल्डर बना लेते हैं इसी के नाम से, और यहाँ पर हम इसको सेव कर देते हैं .php। नाम बड़ा थोड़ा सा डिफिकल्ट है इस वजह से, बाकी अब यहाँ पर हम इसका काम शुरू करते हैं। हम बॉडी के टैग के अंदर ही इसका हम काम शुरू करेंगे। हम PHP का टैग स्टार्ट करेंगे। PHP का टैग स्टार्ट तो हमने कर लिया, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट, जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए हमें कुछ एक वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वेरिएबल्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। वो ये वेरिएबल हम शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम वेरिएबल बनाते हैं, उसको हम ए इज इक्वल टू हम वन में कर देते हैं वैल्यू। उसकी ए की वैल्यू हो गई हमारे पास वन, फिर उसके बाद डॉलर बी इज इक्वल टू टू कर देते हैं इसको। और डॉलर हम एक और वेरिएबल लेते हैं टर्म्स, कि उसकी कंडीशन कहाँ तक रखनी है, 10 तक रखनी है 20 तक रखनी है, तो हम इसको रख देते हैं 10। उसके बाद हम डॉलर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आई क्यू हमने वेरिएबल लिया है, ये अभी हम कोड करेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब इस कोड को करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ प्रिंट करवानी पड़ेगी, ताकि हमें लगे कि हाँ भाई हमारा कोड अब रन होना शुरू हो गया है। यहाँ पर लिखेंगे इको डॉलर ए की वैल्यू हमने प्रिंट का भाई डॉट, और यहाँ पर हमने डॉट डॉलर बी की वैल्यू करवाई, और हमने यहाँ पर ये कर दिया। हम इसको रन करके चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। हम इसको गूगल क्रोम पे खोलते हैं, हम डायरेक्ट जाएंगे सी में जैम्प htdocs, ये हमारा फोल्डर है, इसको हम फाइल को रन करेंगे। तो इस फाइल को रन करने के लिए हम डायरेक्ट जाएंगे लोकल होस्ट 82/, फोल्डर का नाम हमने ये दिया था, तो हमारे पास एरर आ रहा है। किस चीज़ का एरर आ रहा है हम चेक करते हैं। हमने पोर्ट सही दिए 80, पोर्ट हमारे पास 80 है, 82 नहीं है, इस वजह से हमारे पास एरर आ गया। तो हमने फाइल बनाई थी, इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वन और टू हमारे पास शो हो रहा है। क्योंकि ये शो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल में वन और दिया टू दिया, और हमने प्रिंट भी हमने ए और बी करवाया।
तो अब हम आके काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम फोर का लूप लगाएंगे। फोर का लूप लगाते हैं किसी चीज़ को कंटिन्यूसली रिपीट करने के लिए। तो हम यहाँ पर फोर का लूप लगाएंगे, उसमें हम डॉलर आई की वैल्यू रखेंगे, और डॉलर आई अगर लेस देन है डॉलर ट्रम के, है तो उसमें से माइनस कर दो, टू टू वैल्यू माइनस कर दो। अगर डॉलर आई अगर इक्वल है डॉलर आई और डॉलर आई लेस देन है हमारे पास ट्रम के, तो उसमें से माइनस टू कर दो, तो फिर क्या होगा, हमारे पास डॉलर आई को प्लस प्लस कर दो। उसके बाद यहाँ क्या होगा, हम सिंपल से यहाँ पर एक वेरिएबल लाएंगे, डॉलर सी इज इक्वल टू डॉलर बी प्लस डॉलर ए। ये का प्रोग्राम जब वहाँ पर रेडी हो जाए, तो हमने एक वेरिएबल बनाया सी को, और सी के अंदर हमने प्लस करवा दिया बी की वैल्यू और ए की वैल्यू को। जब ये बी की और ए की वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास बी को करवाएंगे डॉलर सी की वैल्यू को डॉट। अब इसका हम रिजल्ट चेक कर लेते हैं कि क्या बन रहा है। तो डॉलर सी को भी हमने प्रिंट करवा दिया, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 2 3 3 3 3 3। अब इस आंसर को सीरीज में किस तरह लेकर आना चाहिए, वो हम किस तरह करेंगे। हम यहाँ पर डॉलर ए अगर इक्वल है डॉलर बी के, और डॉलर बी अगर इक्वल है डॉलर ए के, तो अब क्या प्रोग्राम बनेगा। हमारे पास 1 3 4 4 4 4 हमारे पास प्रोग्राम बन रहा है। तो डॉलर ए हो गया हमारे पास बराबर डॉलर बी के, डॉलर सी हम यहाँ कर देते हैं, फिर क्या बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ कर देते डॉलर ए, अब देखते हैं अभी भी कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ पर हम डॉलर सी कर देते हैं, हमारे पास प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। हमने बेसिकली किया यह है कि हमारे पास ए की जो वैल्यू थी, हमारे पास 1 इक्वल है बी के, और बी की वैल्यू है इक्वल सी के, तो वहाँ पर प्रिंट कर दो सीक्वेंस वाइज। तो हमारे पास सीक्वेंस वाइज वहाँ पर प्रिंट हो गया, तो आप बकायदा तौर पर यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। 1 2, 1 में 1 प्लस हुआ 2, 2 में 2 प्लस, 2 में 1 प्लस हुआ 3, 3 में 2 प्लस हुआ 5, 8 में 5 प्लस हुआ 13, 13 में 8 प्लस हुआ 21, 34, 55 और 89। हमने अभी तक इसकी लिमिट दी थी 10th, क्योंकि 10th तक शो हो रहा है। आप इसको जो भी आप लिमिट देना चाहें वो आप दे सकते हैं, फिर वो उतना ही शो करेगा। 15 दी हमने यहाँ पर, अब यहाँ पर 15 तक लिमिट इसकी आ जाएगी। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना बेसिकली सीखा होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम होते हैं, बहुत ज़्यादातर इंटरव्यू के लिए पूछे जाते हैं सवाल। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो इससे भी अच्छी मिलेगी। थैंक यू सो मच।